नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत स्वागत करता हूं आपका केजीएस न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत सरकार के निर्देशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का वंचितों तक पहुंच रहे लाभ का जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए भरतपुर संभाग के संभागीय आयुक्त सावन लाल वर्मा ने गंगापुर सिटी सहित अन्य ग्राम पंचायतों में शिविरों का किया निरीक्षण। निरीक्षण के पश्चात पंचायत समिति सभागार में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने संकल्प यात्रा के तहत संचालित समस्त योजनाओं की संबंधित अधिकारियों से विभागवार प्रगति रिपोर्ट ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान शिविरों में जो कमियां पाई गई उसके संबंध में कैंप प्रभारी डे नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो है कैंप्स लग रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक मेरे द्वारा ली गई है। दो कैंप्स का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, सेवा और शहरौली का। उनके जो कैंप्स हैं उनमें जो कमियां पाई गई है उसके संबंध में मैंने कैंप प्रभारी और डेढ़ लोग शुभ का है और जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन किया है कि जो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हम जो कैंप्स का आयोजन करें, विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार ने इसके बारे में जारी कर रखे हैं। प्रत्येक स्तर पर क्या दायित्व है उसका उल्लेख किया हुआ है, उसके अनुरूप हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो प्ले की स्कीम 17 स्कीम है उनमें प्रत्येक स्कीम में 46 पॉइंट आए, यही हमारा। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।